दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार, आज राव सेवन कोर्ट में होगी पेशी, ईडी पूछताछ के लिए मांग सकती है हिरासत। ईडी के दफ्तर में खड़े संजय सिंह की रात, उससे पहले समर्थकों से बोले कि मरना मंजूर है, डरना मंजूर है। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है, चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी दें। नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कि संजय सिंह शेर है, प्रधानमंत्री गिरफ्तार करके हमें डरा नहीं पाएंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से विपक्षी दलों के कई नेता उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। संजय सिंह के पिता से मिलकर मनोज झा बोले, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। दिल्ली में संजय सिंह के घर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पुलिस से धक्का मुक्की। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस द्वारा कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आज दिल्ली के बीजेपी सांसदों और विधायकों का प्रदर्शन, सुबह 11 बजे राजघाट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन और प्रार्थना। आम आदमी पार्टी का भी आज प्रदर्शन, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने विरोध। आज फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, करीब 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसी महीने के आखिरी हफ्ते में या नवंबर की शुरुआत में उत्तराखंड में आ सकता है यूसीसी पर रिपोर्ट, कमेटी की तैयारियां। गृहमंत्री अमित शाह के घर पर उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बड़ी बैठक, रिपोर्ट पर चर्चा। लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद फैसल लोकसभा से फिर से अयोग्य घोषित, केरल हाईकोर्ट में हत्या की कोशिश मामले में सजा रद्द करने की मांग खारिज होने के बाद से अधिसूचना जारी। इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग की अहम बैठक, सभी ऑब्जर्वर होंगे शामिल। आज पूरा हो जाएगा तेलंगाना का चुनाव आयोग का दौरा, रविवार से मंगलवार के बीच में कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान संभव। आज कोलकाता में टीएमसी का बड़ा प्रदर्शन, अभिषेक बैनर्जी की अगुवाई में राजभवन तक मार्च। विरोध प्रदर्शन में ममता के भी शामिल होने की खबर, राज्यपाल से मिलने की तैयारी, लेकिन राज्यपाल उत्तरी बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर। दक्षिणी दिनाजपुर में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार के खिलाफ प्रदर्शन, काफिले पर हमले का आरोप। सुकांतो मजूमदार बोले कि टीएमसी के गुंडों ने कार पर किया हमला, दर्ज करवाया केस। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस ने झड़प, पार्टी के अमार माटी अमार देश कार्यक्रम को पुलिस से मंजूरी नहीं मिलने पर बवाल हुआ।